आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो धनात्मक आवेश जिसमें एक का मान धन 9e और दूसरे आवेश इलेक्ट्रॉन का धन e है। दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक तीसरा बिंदु q आवेश। उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह स्थिति पर संतुलन की अवस्था पर रह सके। इसे देखने के लिए पहले हमने एक आरेख देखा जिसके अंतर्गत दो आवेश एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक तीसरा बिंदु आवेश q जो उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं स्थित है। हमने माना कि वह बिंदु q या वह बिंदु आवेश q 9e से आवेश से लगभग x दूरी पर स्थित है। तब बची हुई दूरी जो धन e आवेश से इसकी दूरी कितनी है, a ऋण x मीटर की दूरी पर। हमने यह ज्ञात लिया। अब चूंकि संतुलन की स्थिति के लिए हमने आवेश लिया हुआ है, संतुलन की स्थिति के लिए हम कह सकते हैं कि धन q धन 9e पर आवेश कारण बिंदु q पर जो बल लगेगा वह धन e आवेश के कारण बिंदु q पर लगने वाले बल के बराबर होगा। किस स्थिति में? संतुलन की स्थिति कहते हैं इसे। अब इन मानों को रखें, लगने वाले बलों को किस प्रकार विद्युत आवेश के कारण कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो विद्युतशीलता को बताता है। आवेश का मान 9e और एक आवेश है q, उनके बीच की दूरी है यहाँ पर x जिसका हम वर्ग करते हैं। इसी तरह इस पर लगने वाले बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा आवेश की मात्रा e q के बीच लगने वाला और उनके बीच की दूरी a ऋण x के वर्ग से प्रदर्शित होती है। जो मान यहाँ पर कट जाएंगे हम उनके मानों को काट देते हैं। हमारे पास 9e q a ऋण x का वर्ग धन e q x वर्ग से इसका मान प्रदर्शित। आगे जाएंगे मानों को हल करते हैं। eq का मान कटता है 9/ x वर्ग, हमने इस तरह पक्षांतरित किया और यहाँ पर कुछ नहीं एक a ऋण x वर्ग से पक्षांतरित किया। दोनों पक्षों में यदि हम वर्गमूल करते हैं तो हमें इनका मान 3/ x और यहाँ पर इसका मान a ऋण x के रूप में प्रयुक्त होता है। और यदि हम हल करें तब हमें x का मान धनात्मक रूप से 3 a ऋण x के रूप में मिलेगा। इस समीकरण से हमारे पास दो मान प्राप्त हो सकते हैं। पहले यदि x के मान को हम धनात्मक रूप से लें, x के मान को यदि हम धनात्मक लें धनात्मक x के रूप में, तब हमें यह मान x बराबर 3/4 a के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी ओर यदि हम x का मान ऋणात्मक लें तब हमें इस स्थिति पर प्राप्त होने वाले x का मान 3/2 a के रूप में प्राप्त होता है। हम दोनों परिस्थितियों को देखें तब x का मान 3/2 अर्थात इसका मान 1.5 a होगा। चूंकि हमारी दूरी तो इस बीच में ही है a, और a का 1.5 गुना अर्थात 1.5 गुना इससे ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमने कल्पना कर रखी है कि वो a की दूरी के अंदर ही x का मान कहीं मिलता है। तब हमारे लिए इसका मान 3/4 a होगा, a का मान, क्योंकि 3/2 मान a के रूप में हमें इस स्थिति a के अंदर नहीं मिल पाएंगे, इससे बाहर या कहीं दूर मिलता, जो हमारे लिए संभव नहीं होता। इसलिए हमारे पास x का मान अंतिम रूप से 3/4 a प्राप्त होता है। यह प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।